से जी कैसे हो सब आप। मैं सुखविंदर राजपूर, राजपूर जॉन से ये मैं लेकर आया हूँ 2 BHK फ्लैट्स आपके लिए। अभी मैं मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। ये हमारी सोसाइटी की आगे फ्रंट पे शॉप्स हैं, गेट नंबर 2 पे फ्लैट्स हैं, गेट नंबर 1 पे विलाज है। एक बार मैं आपको फ्रंट एलिवेशन एंड अंदर से सारा विज़िट कराता हूँ। ये हमारे 2 BHK फ्लैट्स हैं, रेडी टू मूव्स में, और न्यू सन इनक्लेव की मेन एंट्रेंस से 3 मिनट का व्हीकल डिस्टेंस रहेगा इनका। ये ग्रेटर मोहाली न्यू सनी क्लेव सेक्टर 123 एयरपोर्ट रोड पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, और ये हमारी मेन एंट्रेंस है। इन आउट यहीं से है, गेट नंबर 1 पे विलाज है 7990 के, और ये 3390 का ग्राउंड फ्लोर है, 3390 फर्स्ट फ्लोर है, टॉप फ्लोर 3190, 2 लाख रुपये रूफ राइट है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, और एक बार मैं आपको सैंपल विज़िट कराता हूँ। ये हमारी फ्लैट की मेन एंट्रेंस रहेगी। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट गोदरेज का लॉक मिलेगा। ये अलेक्सा भी दे रहे हैं हम फ्लैट में। 110 गज का ये ग्राउंड फ्लोर है, और जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा इसका वो 115 गज का रहेगा। उसमें बालकनी भी ऐड हो जाती है, थोड़ा बहुत स्टेयर का एरिया भी ऐड हो जाता है। ये हमारा 2 BHK फ्लैट स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, और इसमें 2 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, 2 अटैच वॉशरूम है, मॉडलर किचन है। अभी ड्राइंग रूम में मैं यहाँ पर बस ये आपको पर्दे और ये फर्नीचर ऐड नहीं है इसमें, अपना डाइनिंग एंड सोफ़ा वगैरह, बाकी इसमें हम सब कुछ ही दे रहे हैं। जैसे इसमें डाउन सीलिंग का वर्क भी आपको साथ में मिलेगा, वॉल्स पे जो भी यहाँ पे वॉल पे काम हुआ है एज एट इज ही आपको मिलेगा, सेम टू सेम ही। यहाँ पे अभी 5 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप 7 सीटर भी लगा सकते हो, स्पेशियस है पूरा। यहाँ पे 4 सीटर भी हमने रखा हुआ है यहाँ पे डाइनिंग टेबल। साथ में ही इसके मॉडलर किचन है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अंदर भी सरमाइका वर्क है। यहाँ पे फ्रिज की इतनी ज़्यादा स्पेस है कि यहाँ पे कोई भी साइज़ का आप रख सकते हो, और यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे पत्थर वर्क है, ग्रेनाइट वर्क है। टैप्स मॉलर किचन में अरोका की है, अरोका की बाथ फिटिंग रहेगी। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, साइज दोनों का सेम ही है। मास्टर बेडरूम में ये LCD पैनल एज इट इज ही मिलेगा, ड्रेसिंग मिलेगा, और ये सीलिंग वर्क सारा एज इट इज है। अगर ये आपको चाहिए, ये वैसे बेड का पार्ट है, अगर आपको चाहिए तो इसकी 25,000 कॉस्ट है बैक की, बेड की नहीं, जो इसकी बैक की पैनलिंग है। अटैच वॉशरूम रहेगा, 2x4 की वॉल टाइल है, 2x4 की वॉल टाइल रहेगी, और अरोका की बाथ फिटिंग रहेगी यहाँ पे, और वॉशरूम के साथ इसकी वेंटिलेशन है। इधर बेडरूम की वेंटिलेशन ये है जहाँ पे ये दिया हुआ है। ये कबर्ड है, यहाँ पे मैट सरमाइका है फ्रंट पे, अंदर भी मैट है, और उधर थोड़ा सा क्रीमी मैट आ जाता है। ये हमारा दोबारा से एक बार मॉलर किचन आ गई है, ड्राइंग रूम स्पेशियस खुला डुला बहुत ज़्यादा, और ये बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। अगर बैक पैनलिंग चाहिए इसमें आपको तो 15,000 रुपये कॉस्ट है इसकी। ये 2x4 की वॉल टाइल है, अरोका की बाथ फिटिंग रहेगी, वॉल हैंगिंग सीटें हैं उधर की तरह ही यहाँ पे भी, और जितनी विंडो चुगट्ठे दरवाजे हैं सब पे पॉलिश वर्क दिया हुआ है हमने। ये हमारा कबर्ड आ जाएगा, जो आपको खाने वगैरह दिख रहे हैं वैसे ही लाइट्स जैसे उसमें एज इट इज़ लगी हुई हैं, सेम टू सेम ही रहेगा। सीलिंग वर्क भी, जो भी चीज़ें मैं आप देख रहे हो फर्नीचर को छोड़ के, बेड सोफे वगैरह, LCD पैनल एज इट इज़ ही मिलेगा आपको। यहाँ पे वेंटिलेशन आ जाएगी बेडरूम की, ये बालकनी आ जाएगी स्पेशियस। बैक साइड पे विलाज है हमारी सोसाइटी के, गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर 2 पे प्रॉपर फ्लैट्स हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर 3390 है, टॉप फ्लोर भी 3390 है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर 3390, फर्स्ट फ्लोर भी 3390, टॉप फ्लोर 3190 है। अगर किसी को चाहिए तो रूफ राइट तो लेगा 110% बंदा। तो यहाँ पे
रूफ राइट मिलेगा, ये बीच में जो पिल्लर देख रहे हो आप सब कुछ एज इट इज़ ही आपको मिल रहा है। और हमारी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो जी। बहुत लोन जब 90% कहीं पे भी लोगे आप तो उसका डबल ही भरना पड़ता है, 20 लाख रुपए का 15 लाख रुपए भरना पड़ता है। इसीलिए मैं दोबारा दोबारा बोलूँगा कि आपने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बार विजिट करने के लिए निकल गए हो घर से, कहीं पे भी जा रहे हो, मेरी वीडियो भी देखी है आपने, तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम है, एक बार हमारे पास चक्कर लगा के जाओ। बाकी हमारी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मटेरियल एक नंबर है, जो फ्लैट है फ्लैट में हमने 8 कॉलम दिए हुए हैं, जो बाहर स्टेयर का एरिया है उसमें 6 कॉलम दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। फ्लोर कभी भी ले रहे हो तो ऐसा है स्पेशियस एरिया चाहिए, जिसमें बालकनी में कोई भी सामान आप खींचने की रस्सियों के साथ ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकाल के ऊपर लेकर जा सकते हो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है 15,000 लीटर का, अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी, 50 फिट का रोड है विद पार्किंग है बना हुआ सारा।